जीवरा रे रूपा जागण में पधारो रे राजस्थान रा बाड़मेर रा मालाणी क्षेत्र मायने बाबा रामदेव जी री और गुरुदेव री बहुत बड़ी भक्तनी हुई रानी रूपा दे जी। बाबा रामदेव जी रा बड़ा प्यारा भजन सुना था रानी रूपा दे जी। जिन प्रकार मीराबाई श्यामरी भक्ति करण धरती रे माथे अमर होया उन्हीं प्रकार रानी रूपा दे जी बाबा रामदेव और गुरुदेव री भक्ति कर अमर होया। बाबा रामदेव जी रो जम्मो हो जागण हो तो रूपाबाई रो भजन करना भी बड़ो जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी भक्तनी हुई। एक दिन रूपाबाई ने उन नगरी रे मायने धारू भाई मेघवाले घरे एक सत्संग रखवाई और उन सत्संग रे मायने उगम सिंह गुरुदेव पधारिया और कहो कि धारू भाई आप रे घरे रूपाबाई ने बुला और चार भजन करवा दो बाबारा तो थारे वो जम्मो जागरण सफल हो जावे। अब देखो किन प्रकार धारू भाई रूपाबाई ने घर पधारिया और रूपाबाई ने विनती करी और किन प्रकार रूपाबाई जा दारूबाई रे घरे चार भजन सुनाया बारी जिंदगी पलट गई इन धरती रे माथे अमर हो गया। आप लोग भी भजन सुनाने वास्ते आया हो सुनने वास्ते आया हो और देखो अगर मन लगा सुनोला तो एक ना एक भजन एक ना एक शब्द एड़ो वेला जो आप हृदय रे मायने एक दिन आपरी जिंदगी पलट गया। ए भाई की आया वो गुरुदेव रे रूपा जागण में पधारो रे हा रूपा भाई जागण में पधारो रे हा हेके मकरे नी गुरु भाई आ प्यारे नुगरा रावल माल जागे रे दारू भाई और कयो कि मारे घरे पधारो चार भजन करो। अब रूपा भाई वा वायक भी ले लिया और धर्म संकट में फंस गया कि अगर मारे पति देव ने बता दियो तो मने जावण को दे और अगर बिना बताए गई तो मारो माथो बार देला। पर उन दिन इच्छाधारी नाग ताकू नाग जी ने वहां आप बिस्तर ढोलिया माथे पोटा और रूपा भाई रवाना हुए और सत्संग रे मायने जावे। अगर आप लोगों ने भी कोई आपरा पति देव आपरा भाई आपरा परिवार वाला मना करे जागरण में मत जाओ तो बड़ो क्रोध आवेला आपने भी उन्हीं प्रकार रूपा भाई ने भी बड़ो मन में और बिना बताए पति देव ने रवाना हुआ। ए इतरो कारे ने रूपा लिया रे आया लिखिया रे दरबारे रे हो पहुंचा दारू रे दरबारे रे ए सब रे संताने पहुंच गया जागरण मायने आपरी मोजड़िया बाहर उतार और सबरे संता ने रामा राम मारे गुरु ने घणी खम्मा कर जागरण मायने बैठ गया।
अब जागरण में भीड़ो लियो हाथ में और बाबा रामदेव जी रा भजन सुनाना शुरू किया और भगवान ने और गुरुदेव ने ओलुंबा देवे की कठे जान मने प्रणाइये रावण मनी ना जू जो मने मने जागरण में जावा को दे जागरण में जावा को नी दे रे जागरण में ये जावा को नी दे हाजिरे पर अरे क्यों ना कीनी वो बनरी रोजड़ी मैं रहती मार गारे माई और बेतोड़ा साधुड़ा सू लेती बालना वासू बातें करती अरे क्यों ना कीनी गंगा गोमती मैं रहती मार गारे माई बेता साधुड़ा रा पाप पखारती और क्यों ना कीनी वो पारस पीपली रावण मणिनाथरी पत्नी करने से तो अच्छो कोई गंगा गोमती कर देती कोई पारस पीपली करती तो बैतोड़ा साधु मारी छाया रमाई ने बैठता बैतोड़ा साधु मारे पाम पखालता। रात भर बाबा रामदेव जी ने ओलुंबा दिया कि बाबा बड़ी गलत जगह आप मारो ब्याह करे हुए क्योंकि रावण मणिनाथ जी मने जागरण में जावा को दो इतरो मारो भजनों में जाना जरूरी है पर फिर भी मन भक्ति नहीं कर देवे। अब प्रभात रो भक्त हुआ रूपा बाई रो घर जान भक्त हुआ तो रावण मणिनाथ जी दूसरी पत्नी रानी चंद्रावल जी एक नाई जी ने खबा जी ने भिजा और वह मोजड़ी रूपा बाई चुरा और मेला में पहुंचा दी और रावण मणिनाथ जी ने कहो कि जित पत्नी सु आप इतो अधिक प्रेम करो वह रूपा आज दारू भाई रे घर बैठी साधु और बीच में थारी लोक लाज ने लजा और भजन करे नाचे गावे। अठे रावण मणिनाथ जी लाल पीला हो गया तलवार रे रवाना हुआ रूपा बाई रे हामा और अठे रूपा भाई गुरुदेव आगे रोता रोता गुरुदेव ने विनती करे गुरुदेव आज मारू घर टूट जावेला और के मैं ए हाथी जोड़े ने रूपा बोलिया रे गुरु मारी मोचड़िया छोरोनी रे ए गुरु मारी मोचड़नी है रोनी रे रावण मणिनाथ जी साकली शेरी में हामा हो गया आपस में। अरे साकली शेरी में सामा आया रानी सा कबेड़ा हिद गया। देखिए नचाने की बात थी मैंने आपको नचा भी दिया अब सुनाने की बात है तो मैं आपको सुना रहा हूं। रावण मणिनाथ जी कहो कि रानी गई कठे बता रूपाबाई रे मुखसू निकलियो कि राजा मैं आप रे फूल लेबड़ने गई पुष्प लेबड़ने गई। रावण मणिनाथ जी बड़ा क्रोधित हो रूपाबाई रे हाथ में जो थाली है वो थाली थाल पोस हटायो तो रूपा बाई उन थाली रे मायने बाबा रामदेव जी रे प्रताप सुन करोड़ों प्रकार रा गुरुदेव रे प्रताप सुन बड़ा बड़ा बाग दिखाई दिया करोड़ों प्रकार रा उन थाली रे मायने फूल दिखाई दिया।
रावण मलिना जी आंखें पटीरी फटी रह गई कि राजस्थान मालानी री इन सूखी धोरा धरती में और मारिया रूपा इतना फूल कठा सुलाई हो ना हो आज भगवान सुमेल आई है, आज बाबा सुमेल आई है। बोली अजमाले घरे अवतार की जड़े रावण मलिना जी पूछो फूल आया कठा सो जड़े रूपा कहो पहली बाड़ी डर डूंगरे दूजी बेगुन थारे माई और तीजी बाड़ी सारा शहर में चौथी रिखिया रे दरबारे जठे में जागरण करण गई बटे। रावण मलिना जी दूज गया और रूपा बाई आगे नतमस्तक खड़ा हो कहो कि रूपा आज तू भगवान सु मिल आई है और मारी विनती है थारे सु कि आप भगवान रो रास्तो मने भी बता के वे रावण रूपा सांभड़ो रानी थारो पंत रो बता रास्तो मने भी बता। जड़ रूपा बाई चार काम बढ़ावर के वे रावण कहो पहला मारो थारो मोभी दीकरो दूजो थारो हंसा वालो घोड़ो और तीजो मारो गौरो बाछड़ो चौथी थारी चिंता बड़ानी। इतना काम कर दे तो तुमने भगवान रास्ता बताऊं। रावण मलिना जी रवाना होन लागा जिन वक्त रूपा बाई कहो कि रावण कोई जीव हत्या करने वास्ते कोई पाप करने वास्ते नहीं कहो पर थारे मन में जो घमंड है जो अभिमान है जो राजा होन नो झूठो मद है वह मद ने मार दे तो इन धरती माते तू अपने आप अमर हो जा बैला। सत्य सनातन धर्मराज जितना भी साधु संत तपधारी हुआ एक ही बात बताइए कि तू धरती रे माथे अमर नहीं है निरंतर नहीं है अखंड नहीं है तने एक दिन खंड होनो है। वो कठे गया बलवान तीन पग धरती तो लड़िया वो कठे गया बलवान तीन पग धरती तो लड़िया वो कठे गया बलवान तीन पग धरती तो लड़िया जारी पड़ती धाक नहीं था हामा बोलनिया जारी पड़ती धाक नहीं था हामा बोलनिया निर्भय डोलने वाला गया है अकेला गया है अकेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में ये क्या लेके जाएगा वो क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला कहो क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा और थारी दो दिन की जिंदगी दो दिन रो मेलो। बेटा पीछे के कैमरा से खींच दो ऐसे अब खींचो वहां खड़े हो जाओ पीछे करो। भैरोदास जी महाराज कहो काया का है बाग भाग बिना पाया नहीं जाता और कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। अगर थारे मन में घमंड है कि तू खूबसूरत है तू धनवान है तू बलवान है तो एक बार शमशान रो चक्कर लगा थारे में बड़ा बड़ा लोग बटे राग बनवड़ा मिलेला। रूपा बाई भी आपरे पति देव ने रावण मलिना जी ने आई बात समझाई कि रावण अरे इतरो करे ने इराब जो पछे थाने पंथरलो बतावा और हाथ जोड़े रूपा भाई बोलिया साधुड़ारो अमरापुर में वासो मैं कितो भी माथो भोंगलू पर भजन अगर आप रे हृदय रे मायने भगवान है अगर आपके हृदय के अंदर भगवान का वास है तो ही आप भजन कर पाओगे तो ही सुन पाओगे। नाच गाना देखना आसान है पर भजनों को सुनना और उनको समझ के उनकी बातों को अपने हृदय में धारण करना बहुत बड़ी कठिन बात है। और अगर रात्रि के इस चौथे पहर में भी अगर आप लोग बैठे हो इसका मतलब है आप भजन सुनने के लिए बैठे हो और भजन समझने के लिए बैठे हो तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं आपको समझाऊं वो बात। ए सुरता हो जाए ए सुरता हो जाए भजन वाली लार ले चाला थाने राम नगरी ए सुरता हो जाए भजन वाली लार नगरे सुनता हो जाए भजन वाली लारी ले चाला थाने राम नगरी। बोलिए अजमल घर अवतार के बोलिए रूपा रावण देव की।
सुधारो थारी काया अपने धनियों रा मार्ग जीना हो रावण माल। जो बात आपने कह रही हूँ आपने ये नहीं कह रहा, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस कमंडल लेके मरियो बस पहाड़ों में चले जाओ, ऐसा नहीं। जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, अपने माँ अपने पिता अपने परिवार के साथ, अपने गाँव के साथ, अपने जिले के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपनी धरती के साथ हमको इंसाफ करना है। जहाँ भी रहे उसकी व्यवस्था प्रकृति को कभी नुकसान न पहुँचाए, और ऐसे कर्तव्य के साथ अपने निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम लोग चले। तो ओ फिर थारी मानी मिले, ओ फिर पितानी मिले, फिर थारी मानी मिले, फिर अपितानी मिले, ओ सेवा कर ले भली, सेवा कर ले भली, फिर आशीर्वादी मिले, फिर थारी मानी लाड लडाती थारी माता, थारा कितना नाम दिया, कयो लाड लडाती थारी माता, थारा कितना नाम दिया, कदे छोटू कदे मोटू कदे चिंटू कदे पप्पू। लाड लडाती थारी माता कितना नाम दिया, और सोच पिताजी इन जीवन में कितना इनाम दिया। लाड लडाती थारी माता कितना नाम दिया, और सोच पिताजी इन जीवन में कितना इनाम दिया। फिर वो नाम नहीं मिले, फिर वो इनाम नहीं मिले, फिर वो नाम नहीं मिले, फिर वो इनाम नहीं मिले, वो सेवा कर ले भली, सेवा कर ले भली, फिर आशीर्वाद थारी मानी मिले, फिर अपितानी मिले।
जरा शब्दों को सुनना। सोच समझ कर चाल दी करा, थारा पापा मना करे, और बिन सोचा समझा थारी माता, थारे हाँ में हाँ भरे। अरे सोच समझ कर चाल दी करा, थारा पापा मना करे, और बिन सोचा समझा थारी मायड़ हाँ में हाँ भरे। और अगर ये निकल गए, ये चले गए, तो फिर कोई तुझे मना करने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और फिर वो हानी मिले, फिर वो नानी मिले, फिर वो हानी मिले, फिर वो नानी मिले। वो सेवा करा ले भली, सेवा कर ले भली, फिर आशीर्वादी मिले, फिर थारी मानी मिले, फिर अपितानी मिले। पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्रेम रहेगा यहां रे। अगर तू अपने माता पिता के बुढ़ापे को देखकर डर रहा है, उनको छोड़ के जा रहा है, ओ देख बुढ़ापो माँ पापा रो, तू मत एहसान भुला। देख बुढ़ापो, देख बुढ़ापो माँ पापा रो, तू मत एहसान भुला, और जो थाने सुलाता छाती माथे, तू घर से बाहर मत सुला, क्योंकि बुढ़ापो लारे आवे, वो सर पर काल छावे, बुढ़ापो थारो आवे, वो सर पर काल छावे, वो सेवा मिले। अरे अपने पास पड़ी हुई कोई छोटी छोटी चीज की इतनी बड़ी कीमत समझोगे, तब उससे मोह रहेगा, उससे प्रेम रहेगा। भले माता पिता गुरुदेव की अजमल घर अवतार की।